तेजस्वी, ये देखो, ये मेरा गांव का घर। बहुत अच्छा है। माँ, माँ। अरे हमारा लल्ला आ गया, हमारे जिगर का टुकड़ा। कुछ खाते नहीं हो क्या? दुगले पतले हो गए हो, खिलाती नहीं है ये? तेजस्वी, माँ के पैर छुओ। दूधो नाओ पूतो फलो। बिलल्ला, बहू तो बहुत सुंदर है, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। माँ, इसको कहाँ रखे हम? हमारे सर पर रख दो, दिख नहीं रहा ये दोनों खड़े हैं। ये कौन है? तेजस्वी, इससे मिलो, ये मेरा छोटा भाई और तुम्हारा देवर आकाश। अरे भैया भाभी, आप लोग शहर से आ गए, आपको आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना? कोई परेशानी नहीं हुई। माँ, ये क्या है, आपने इसको जरा सी भी तमीज नहीं सिखाई क्या? भाभी के पैर कौन छुएगा? अरे हम तो भूल ही गए। और कैसा है? बढ़िया। वैसे भैया एक बात माननी पड़ेगी, आप शहर से बहुत सुंदर भाभी लाए हैं। वैसे भैया, भाभी की कोई छोटकी बहन है? चुप कर दू, तेरे लिए तो गांव की लड़की लाऊंगी, ऐसी गलती दोबारा थोड़ी करने दूंगी। अब शहर की दोनों लड़कियां भर लूंगी घर में, घर का तो काम चलना है ना। अरे कोई बात नहीं ना माँ, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं, तेरी भाभी की है छोटी बहन, तेरी बात मैं कर लूंगा। अच्छा ठीक है माँ, आप इतना गुस्सा मत करो, इसको बोलता हूँ मैं कपड़े चेंज करेगी। अच्छा तेजस्वी सुनो, तुम्हें तो पता ही है ना गांव का माहौल कैसा है, तुम एक काम करो कि जाके वो नया वाला सूट पहन लेना, फिर मैं तुम्हें पूरा गांव घुमाऊंगा। ठीक है ठीक है। अब माँ भारी खड़ा रखोगी, अंदर भी बुलाओगी? हाँ हाँ भैया आओ अंदर, कर क्या सकते हैं अब हम। आ जाओ, आओ बहुरानी, आ जाओ आ जाओ। गार्डन ले जूतन में, दिल जान सब कुछ दे जूतन में, यार का भी टोरा घना खास बावली, कोई आई नहीं तेरे सिवा रास बावली। गार्डन ले जूतन में, दिल जान सब कुछ दे जूतन में, वैसे मुंह जिसी पोते की से बहु, देख देख चा चढ़े दादी करे नू, छोटी गाड़ी बेची बड़ी लाया तेरे ताई, ठाई पूरे शहर में तबाही तेरे ताई, कमाई तेरे ताई मने बाबू की उड़ा दी रे, मार मार गेड़े आग टेरा के लगा दी रे। गार्डन ले जूतन में, दिल जान सब कुछ दे जूतन में, बर्थडे पे करेंगे प्लान टूर बार का, देख लिए तू भी बड़ा काल जा सार का। गार्डन ले जूतन में, दिल जान सब कुछ दे जूतन में, मार मिठी बात के मिया घुमा दी रे। गार्डन ले जूतन में, सब कुछ दे जूतन में, दिल आले बादला में प्यार भरिया से, आजा प्यारे आली, आजा प्यारे आली बूंदा के मां भे जूतन में। बताओ तेजस्वी, कैसा लगा गांव घूम के? बहुत मजा आया मुझे तो, पर हाँ बग्घी पे ना मेरे को बहुत डर लगा था। डर कैसा, मैं था ना तुम्हारे साथ, तो डरने की का बात? हाँ वो तो है। बहू। हाँ माँ जी। अरे इधर आ। अच्छा चलो मैं देखती हूँ माँ जी क्या बोल रही है, तुम फ्रेश हो जाओ। ठीक है ठीक है। हाँ माँ जी बोलो। घूम आई गाँव, कैसा लगा? हाँ मुझे तो गाँव बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, अच्छा बैठ अब इधर। हैरी बहुरानी, अब बात सुनो मेरी, रात को देर से गाँव में नहीं निकलना है, और ये का सर नंगा करके घूम रही थी, पल्लू लो जल्दी से, कुछ सिखाया ही नहीं है घर वालों ने। अच्छा पता तो होगा कल करवा चौथ है। करवा चौथ, वो क्या होता है माँ जी? हाय राम, भाग फोड़ दिया हमारे तो, इस मोड़ी को तो पता ही नहीं है करवा चौथ क्या होता है। तो सुन लो, हर साल आएगा ये, पूरे दिन भूखा प्यासा रहना पड़ेगा अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और जब रात को चांद आएगा ना, तो चांद को देख के तब खोलना है व्रत। क्या भूखा प्यासा? माँ जी मैं ना आज तक भूखी नहीं रही हूँ। देखो मैं आपकी ना सारी बात मानूंगी, पर प्लीज ये बात मत मनवाओ, ये व्रत वगैरह मुझसे नहीं होगा, मैं भूखी नहीं रह सकती, मेरे को ना बहुत भूख लगती है। अरे मोरी मैया, इतनी जबान लड़ाएगी, बेटा उठना तो तुम्हें पड़ेगा,
और खानी भी पड़ेगी सरगी, और पूरे दिन भूखा भी रहना पड़ेगा। क्या चाहती हो, हमारा बेटा जल्दी निकल ले? अरे माँ जी, कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों चाहूंगी ये कि उनको कुछ हो जाए, पर बस मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मुझसे व्रत नहीं रखा जाएगा और सुबह 4 बजे भी नहीं उठा जाएगा। अरे माँ जी, रहने दीजिए ना, जब भाभी को व्रत नहीं रखना है तो ना रखें, और वैसे भी भाभी शहर से आई हैं, इतनी मॉडर्न है, वो व्रत वगैरह रख के क्या करेंगी? नीचे आ। बहुरानी की बहन के चक्कर में हो रहा है तू, भूलिया मत लल्लन की बेटी के साथ रिश्ता तय कर रखा है तेरा। आया बड़ा भाभी वाला। देखो बहुरानी, हमें नहीं पता, हमें कोई नानुकुर नहीं चाहिए, वैसे ही हमारे बेटा ने इतनी बड़ी गलती कर दी है और अब हम अंदर जा रहे हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, तुमसे तो पैर दबवाने की इच्छा कर ही नहीं सकते। अरे भाभी जी, आप ना माँ की बातों का बुरा मत मानना, वो वैसे ही गुस्से में कुछ भी बोल जाती हैं, आपको जो दिल करे ना आप वो करो, आपको व्रत रखना है या नहीं रखना ये आप सोचो। मैं चलता हूँ, माँ के पैर दबा देता हूँ। जो दिल करे वो करो, करने कहाँ दे रहा है कोई यहाँ पे। सुबह गांव घुमा दिया मेरे पति ने, हाँ हाँ मजे आ गए, अब ये सासू माँ ने सजा दे दिया। हे भगवान, पति इतना अच्छा दिया, सासू माँ भी दे देते, पूरा दिन भूखी प्यासी कैसे रहूंगी, मैं आज तक भूखी नहीं रही हूँ। और ऊपर से सुबह 4:30 बजे उठना, घर पे तो 10 बजे से पहले उठती नहीं हूँ मैं, कहाँ फंस गई हूँ मैं। तेजस्वी, तेजस्वी उठो। नहीं तेजस्वी, खड़ी हो जाओ। गुड गर्ल। अब ये लो, जल्दी से ये मिठाई और ये दूध पी लो। मुझे ये व्रत नहीं रखना, तुम्हें तो मालूम है ना कि मुझसे भूख कंट्रोल नहीं होती, मैं कैसे रहूंगी पूरा दिन भूखी। तेजस्वी, अगर तुम व्रत नहीं रखोगी तो माँ का दिल टूट जाएगा, माँ खुश होंगी अगर तुम व्रत रखोगी। और वैसे भी मैं जानता हूँ यार कि तुमसे भूख कंट्रोल नहीं होती, लेकिन आज सिर्फ मेरे लिए एक दिन के लिए भूखी रह जाओ, प्लीज प्लीज बेबी। ठीक है। हाँ तो अब जल्दी से ये खा लो, ओके, ये लो। तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ, हवा के जैसी चलती है तू, मैं रेत जैसा उड़ता हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। सारा दूध खत्म, मानना पड़ेगा। है रे मोड़ा, तो कुंते सर के घर में क्या हुआ है? अरे माँ, आपको बिना बस दूसरों के घर की जाननी है, अपने घर में क्या चल रहा है आपको ये पता ही नहीं है। हमसे जुबान लड़ाएगा तू? अरे माँ, मैं जुबान थोड़ी लड़ा रहा हूँ आपसे। अच्छा ये सब छोड़, ला ये मेहंदी पोत दे मेरी। मेहंदी? मेहंदी तो मुझे लगानी नहीं आती है। अरे पोत दे, वैसे भी हमारे तो जवानी जा चुकी है, लगा। लाओ लगा देते हैं। मम्मी जी, आप चाय वगैरह कुछ लेंगी, मैं बना दूं? अरे नहीं नहीं बहू, तू क्यों काम करेगी, तू बैठ जा आराम कर, वैसे भी तेरा व्रत है, सुबह से बेचारी ने कुछ नहीं खाया, इतने हाथ तो बिल्कुल फीके पड़े। हाँ मैं अपनी मेहंदी पुतवा रही हूँ, तू आ, आ मेरी बच्ची आ, मैं तेरे मेहंदी लगाऊंगी। नहीं मम्मी जी, मेरे को मेहंदी वेहंदी नहीं लगानी, मेरे को ना इसकी स्मेल से प्रॉब्लम है और मेरे हाथों में भी एलर्जी हो जाती है, तो मैं ये मेहंदी वगैरह इन सबसे तो दूर ही रहती हूँ बहुत, मेरे को नहीं लगानी। हाँ ठीक है भाभी जी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मेहंदी नहीं लगवानी तो आप मत लगवाइए। चुप बैठ जाएगा, कर ले हम बात।
अरे मेहंदी बहुत जरूरी है, लगवानी चाहिए तुझे। आ चुपचाप बैठ और लगवा। देखो मम्मी जी, आप अब तक जो भी बोलते आ रहे हो ना, मैंने करा है। आपने कहा करवा चौथ का व्रत रख, भूखी रह, मैं रही हूँ। पर ये मेहंदी वेहंदी, अब ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं इतनी बातें नहीं मान सकती आपकी। हमें गुस्सा ना दिला, आगे चुपचाप लगवा मेहंदी। मानती नहीं है, बनेगी शहरी। अरे माँ, भाभी इतना मना कर रही है तो रहने दीजिए ना, क्या पता सच में उनके हाथ में एलर्जी हो। तुम मानोगे या तुम एक और कंटाप लगाए? देखो बहू, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। अरे करवा चौथ वाले दिन हाथ सूने रहेंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। हम भी तो पुतवार हैं हमारे लल्ला से। मम्मी जी महत्वपूर्ण होती होगी, मैं मानती हूँ, पर मुझे नहीं लगवानी। मेरे को नहीं पसंद मेहंदी लगाना। आपको तो समझ में एक बारी में कोई बात आती नहीं है। मैं सोचे बड़े हो, मैं कुछ ना बोलूं समझ जाओगे, पर आप समझते ही नहीं हो। मुझे मेहंदी नहीं लगवानी तो नहीं लगवानी, और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। पता नहीं क्या हो गया इसको, नाक पर गुस्सा रख के फिरती है ये। शहर की है ना। अरे माँ, ये तो उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है भाभी ने, तो उन्हें गुस्सा आ रहा होगा। छोड़िए ना, आप उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। भैया खाया तो हमने भी ना है, हम तो ना कर रहे गुस्सा। देखना देखना कितने प्यार से बात कर रहे हैं तुमसे। हाँ आप बहुत प्यार से बात कर रही हो। चलो पोतो। हाँ। आई बड़ी शहर की बनेंगी ये। तेजस्वी, क्या हुआ तुम्हें? तुम उदास हो क्या? उदास क्यों बैठ गई हूँ? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें मुझसे फर्क पड़ता है। तुम्हें होश भी है कि मेरा हाल क्या है यहाँ पे? बस गांव में लाके मुझे पटक दिया है तुमने। परवाह? पूरी परवाह है यार, बीवी हो तुम मेरी। तुम्हें अच्छे से पता है अगर मैं खाली पेट रहती हूँ, मुझे भूख लगती है तो मैं चिड़चिड़ी होती हूँ, और ऊपर से तुम्हारी मम्मी मुझ पर चिल्लाई जा रही है सुबह से। ये इसलिए लाए थे क्या यार तुम मुझे गाँव? तुम किस लिए आए थे कि गांव में मजे करवाऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा? यहाँ गांव में आके मैं भूखी मर रही हूँ, सुबह से भूख लग रही है मुझे। तेजस्वी ये क्या बोले जा रही हो तुम? और वैसे भी आज तुम्हारा व्रत है ना, तुम इतना मत बोलो, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। सब कुछ मैं ही तो समझू, तुम कुछ मत समझना, तुम्हारी मम्मी कुछ ना समझे, सब कुछ मैं ही समझ के बैठ जाती हूँ। भूखी भी मैं रहूं यहाँ पे, सफर भी मैं करूँ, और तुम तो मजे से रह रहे हो अपना। अगर तुम्हें यही सब करना था ना, तो मुझे गाँव नहीं लेकर आना चाहिए था। और वैसे भी तुम पूछ ही क्यों रहे हो, तुम्हें कौन सा फिक्र है मेरी? तुम्हें कोई परवाह नहीं है तो पूछो भी मत। ये क्या तुमने बार बार लगा रखा है, गांव ले आए गांव ले आए गांव ले आए? मेरी मर्जी थी कि तुम गांव आओ। मैं चाहता था कि तुम गांव आओ और यहाँ के सारे रसम जानो, और तुम यहाँ पे रसम समझने के बजाय मुझसे लड़ रही हो। गलती हो गई यार कि मैं तुम्हें गांव ले आया। आज की बात कभी गांव लेके नहीं आऊंगा, और प्लीज मुझसे ना बात करने की जरूरत नहीं है। मैं एक वर्किंग एंड इंडिपेंडेंट वुमन हूं, और मैं उसमें खुश थी। तुम मुझे यहाँ गांव लेकर आओ, और यहाँ पे क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? घर के काम, व्रत रखवाया जा रहा है, और मैंने ये सब कुछ शादी से पहले ही क्लियर कर दिया था। तेजस्वी तुम अकेली शहर की लड़की नहीं हो, जाओ घूम के आओ गांव। कितने घर की बहुएं शहर से आती हैं, वो सब भी तो एडजस्ट करती है ना यार, तो तुम नहीं कर सकती क्या? इतने क्या नखरे दिखा रही हो तुम? अरे यार नहीं करनी मुझे कोई एडजस्टमेंट। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था शादी करने से पहले कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी चीज एडजस्ट करना नहीं पसंद करती, तो मैं इस रिश्ते में एडजस्टमेंट क्यों करूं? मैं जैसी थी मैं वैसे रहना चाहती हूँ, पर नहीं, तुम मुझे बदलना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं ये रस्में करूँ जिसका तो मेरे को पता भी नहीं है कि करी क्यों जा रही है। अच्छा तुम्हारे और मेरे में फर्क है क्या? तुम्हारी लाइफ अलग है और मेरी लाइफ अलग है। देखो तेजस्वी, जैसा मैं चाहता हूँ ना तुम वैसे ही जियोगी, और जैसा तुम चाहती हो वैसा मैं जीऊंगा। रिश्ता ना दो लोगों की वजह चलता है, किसी एक की वजह से रिश्ता नहीं चलता। और प्लीज यार थोड़ी समझने की कोशिश करो, इतनी बड़ी हो चुकी हो और तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती हैं। तुम्हें पता नहीं है करवा चौथ कितना महत्वपूर्ण व्रत होता है, और तुम उसके लिए नाट रही हो, नखरे दिखा रही हो, बच्ची नहीं हो यार तुम, थोड़ी समझने की कोशिश तो करो। तुम्हें मेरी आयु से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो ठीक है यार जाओ तोड़ लो अपना व्रत, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, गेट लॉस्ट। क्या हुआ बहू रानी, क्यों मुंह उतार के बैठी हो? अरे नहीं मम्मी जी, वो तो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत ढीली लग रही थी। आप बताओ कुछ काम है आपको, मैं कर दूं? ना ना, काम तो मैं तुझसे क्या ही करवाऊंगी। वो तुम्हारे कमरे के आगे से निकल रहे थे तो लल्ला और तुम्हें झगड़ते हुए सुना, तो सोचा आके तुमसे बात कर ले थोड़ी देर।
अरे नहीं मम्मी जी, ये सब तो चलता ही रहता है। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होगी तो किसके बीच में होगी? वो बस थोड़ी सी तू तू मैं हो गई हम दोनों के बीच में, और कुछ भी नहीं। देख बुरा मत मानियो, करवा चौथ का व्रत ना बहुत जरूरी होता है। दोनों मियाँ बीवी में एक तो प्यार बनता है, और तेरे लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, मानती हूँ तुझे नहीं पता था करवा चौथ के बारे में, पर तू ही सोचना, गांव की लड़कियों को तो सब कुछ पता होता है। अब तुम ठहरी मॉडर्न काम करने वाली, हमने तुम्हें समझा दिया जैसे हमारी सास ने हमें समझाया था, तो तुम देखो बुरा मत मानना हमारी बात का, बस ये व्रत ना पूरे दिल से निभाना। देखो तुम्हारे पति की आयु का सवाल है, अरे उसके ऊपर आने वाली कोई भी अड़चन रुक जाएगी, अरे उसकी उम्र बढ़ेगी, तो तुम ये करवा चौथ का व्रत दिल से निभाओ। और हाँ, इसे बीच में मत तोड़ देना बहुरानी। देखो हमारा तो लल्ला है तो तुम्हारा सुहाग भी है, उस पर कोई आ जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? देखो करवा चौथ ना बहुत ज़रूरी है, अरे हम नहीं कह रहे, पुराने ज़माने से लोग करते आए हैं, अरे अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए औरतें करती हैं ये सब। माना सिर्फ औरतें नहीं करती, अरे तुम तो मॉडर्न हो, आज की पीढ़ी में तो लड़के भी करते हैं अपनी पत्नियों के लिए। देखो हमारी सास ना बहुत खड़ूस थी, तो बस हम भी उन्हीं के जैसे बन गए। पर तुम ये मत समझना कि हम तुम्हारे साथ ऐसे ही रहेंगे, अरे तुम हमारी बहू हो, हमारा चांद हो, हम तुम्हें अपनी बेटी बना के रखना चाहते हैं। बस ये सब छोड़ो और देखना अपना क्या हाल बना रखा है तुमने, बिल्कुल मुंह उतार रखा है। आज के दिन औरत को सज संवर के रहना चाहिए, 16 श्रृंगार करने चाहिए। अरे तुम सज संवर के रहोगी तो तुम्हारा पति भी खुश रहेगा, और औरत का तो गहना होता है श्रृंगार, तो तुम्हें कर लेना चाहिए। और अब ये मुंह मत लटकाओ, खुश रहो बस। हाँ मम्मी जी, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई हूँ, मेरी गलती है, मैंने भी ना बेफालतू में उनसे बहस कर ली, उनसे लड़ाई कर ली। मेरे को समझ में आ गया है, जितना मेरा इंडिपेंडेंट होना जरूरी है उतनी ये रीति रिवाज भी मेरे लिए जरूरी है, और अब से मैं सब कुछ सीखूंगी, जैसा आप कहोगे ना मैं वैसा करूंगी। और हाँ, मैं ना आप जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, वो देखेंगे ना तो अपने आप ही मान जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि मैं करवा चौथ का व्रत अच्छे से निभा रही हूँ और तैयार होकर उनके साथ व्रत खोल रही हूँ। हाय मेरी बहुरानी कितनी सियाणी है, चल अब तैयार हो जा और व्रत खोल ले अपना। यार प्यारी तो ये है, पर इनको खड़ूस समझो या प्यारी, पहले तो प्यार दिखा दिया, उसके बाद खड़ूस पर ना तो करना ही था इनको। छोड़ो रेडी हो जाती हूँ। अभी भी नाराज हो? अब क्यों नाराज होऊंगा, तुमने मेरे लिए व्रत रख भी लिया और अच्छे से निभा भी लिया। अच्छा सॉरी दिन के लिए, मेरे को ना गलत फहमी हो गई थी, फिर मेरी मम्मी जी से भी बात हुई और देखो सब ठीक हो गया। और मैं ना अब प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सारे रिचुअल्स निभाऊंगी और सब करूँगी जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। वाह, यही चीज़ें तुम्हें मेरी बेस्ट वाइफ बनाएगी। और सॉरी तुम मत बोलो, सॉरी मैं तुम्हें बोलता हूँ, पता नहीं गुस्से में आके मैंने तुमसे बहुत फालतू बोल दिया, आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, अब व्रत खुलवाओगे, बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, करो जो करते हैं। तुम्हें पूजा की थाली, चांद को देखूं हाथ में जोड़ूं, मेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं। खुल गया तुम्हारा व्रत, अब जल्दी से मेरा भी व्रत खुलवा दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुम्हारा व्रत? तुमने भी मेरे लिए व्रत रखा है? क्यों रख नहीं सकता क्या, जब तुम मेरी लंबी आयु के लिए इतना अच्छा व्रत रख रही हो तो मैं भी तुम्हारी लंबी आयु के लिए व्रत रख सकता हूँ, इसीलिए मैंने भी व्रत रख लिया। कितने अच्छे हो तुम ना वर्ल्ड के बेस्ट पति हो पता है तुम्हें। अब जल्दी व्रत खुलवाओ, अब व्रत तो खुलवाओ, भूख लग रही है। Thank you.
मिनट रुको। क्या हुआ? एक चीज तो रह गई। कौन सी चीज? अब तो आ जाओ।